दोस्तों हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे जाते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो इन साइकोलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज को रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान भी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। सो नंबर 1, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। हम सभी ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस्ड फील करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो ये एक्चुअली में अफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 की एक स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड फेसेस को टिक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड फेसेस को टिक कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक सुनते टाइम लोग हैप्पी फेसेस को चूज कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। इसीलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते टाइम बहुत हेल्प करता है और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में दो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने आप को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा बेटर है। इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलो जो हर बात में खुद को सुपीरियर शो करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, तो समझ जाओ कि ये बस एक डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो हमेशा खुद की एबिलिटी पर डाउट करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये तो देखा ही होगा, जो दोस्त ये कहता है कि उसने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आया था। मोस्टली केसेस में उसी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि उसने बोला था कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं और अच्छा कर सकता था, क्योंकि मानो या ना मानो वो सच में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। सिंगिंग रिड्यूसेस एंग्जाइटी। इमेजिन करिए आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने काम पर जा रहे हैं जहां आपको एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। सो नेचुरली आप नर्वस और एंग्शियस फील करोगे, तो ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को काम कैसे रखोगे? वेल, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप ऐसे टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके खुद भी सिंगिंग करने लग जाओ। अब आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सिंगिंग करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, जो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत तेजी से कम कर देता है और आपके मूड को बेटर कर देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कॉर्टिसोल लेवल को लो कर देता है, जिससे आप काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ती रहें, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, अपने पार्टनर से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो और जब वो आंसर दे दे उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो और आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करने लगेगा। स्टडीज में ये देखा गया है, जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, इस टाइम पर इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछो और कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है या आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है, जो अल्टीमेटली कॉन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। प्लेइंग डंब। अगर आप किसी के सामने अपना गुड इम्प्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें बहुत पसंद है और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार्स में बहुत इंटरेस्ट है। अब हो सकता है कि आपको भी कार्स के बारे में बहुत नॉलेज हो, पर उनके सामने ऐसे प्रटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है और उनसे क्वेश्चंस पूछो जो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा और वो आपसे बात करने में और इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। और वैसे भी दलाई लामा का कहना है कि जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। द स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ भी हैं जहां आप डिनर या लंच पर मिलने आए हो और आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कॉन्वर्सेशन जैसे जा रही है आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाके बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपकी रिलेशनशिप को बहुत हेल्प कर सकती है।
फॉर्मिंग अ हैबिट। आपने कभी ये सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म या ब्रेक करने में सिर्फ 21 डेज का टाइम लगता है, पर एक न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि 21 डेज के बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी, और जब वो 22nd डे पर फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 66 डेज को तीन फेजेस में बांट दें, जहां शुरू के 22 दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे, नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे, आप ऑलमोस्ट क्विट कर देंगे, और लास्ट 22 डेज के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर लेंगे। कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपनी इम्पोर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस करा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड भी फील करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपनी लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराता रहेगा और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जब आप दो काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेजी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर्स ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। वहीं ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस करने की नीड होती है, वहाँ वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर है या टीवी देखने पर। प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शंस दो जो आपके डिसीजंस के फेवर में हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है, तो सिंपली उसे ये बोलने के बजाय कि जाओ पढ़ो, उन्हें चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। तो जब वो कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद ये डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में है। अब ये ट्रिक आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि हर रेस्टोरेंट में वेटर्स इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शंस देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप इनडायरेक्टली वही करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने लिया, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। यानी कि वो ट्राई करते हैं कि आप कुछ चुनिंदा चीजों में से ही कुछ एक चीज ऑर्डर कर दें, जिसे रेडी करने में रेस्टोरेंट को ज्यादा टाइम ना लगे। द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने भी नोटिस करा होगा कि पूरा दिन अपने घर या ऑफिस में बिताने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल फील्ड्स में नहीं है जो सिर्फ आपकी बोन्स के लिए बेटर है, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबिलाईजर की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रीच कम होती है, वहां के लोगों में डिप्रेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आपको बस दिन में 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेनी है, जो लिटरली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और ये मॉर्निंग सनलाइट होगी तो और भी अच्छा। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके कुछ बिहेवियर्स को कॉपी करने लग जाओ, तो वो आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्सप्रेशंस को मिरर करने लगो तो वो आपको और पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो आपसे और भी ज्यादा कंपैटिबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी से बात करते टाइम ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स का यूज करने लग जाओ। इससे वो खुद को आपसे आइडेंटिफाइड कर पाएंगे, उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो, और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।